हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ये 3NH स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मॉडल नंबर YS3010 इस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जैसे कि आप वेबसाइट पे देख पा रहे हैं। इट्स वेरी स्पेसिफिक हैंडहेल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 8mm सिंगल अपर्चर के साथ ही आता है। 8mm एपर्चर का मतलब है ये जो डाया है आपका दिख रहा है आपको, ये 8mm है। ओके, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। ओके, इसका जो अलग मॉडल आता है जिसमें आपको ये इंटरचेंजेबल होता है और उसके लिए ऐसा बटन आता है MAV SAV मतलब मैक्सिमम अपर्चर वैल्यू, मीडियम अपर्चर वैल्यू और SAV मतलब स्मॉल अपर्चर वैल्यू। जो इसमें नहीं है, ये 3010 है, इसमें सिर्फ आपको फिक्स वैल्यू आएगा विच इज़ अपर्चर ऑफ मीडियम अपर्चर वैल्यू विच इज 8mm। तो 8mm इसमें आ जाएगा आपको। इसका एडवांस वर्जन जो होता है अपर 3020 या 3060, उसमें आपको 8mm के साथ साथ 4mm या 10mm के साथ साथ 5mm के डाया अपर्चर आ जाते हैं। आपको कस्टमाइज अपर्चर करना है तो उसके जो YS3020 ये मॉडल है उसके साथ आप छोटे से छोटा 1.3mm मतलब 1/3mm का अपर्चर भी डिजाइन करवा के हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये कलर एनालिसिस करने के लिए काम में आता है। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो आप देखेंगे इसका डिस्प्ले आ रहा है, इट इज शोइंग अबाउट LAB वैल्यू। ओके, ये पूरी तरह से टच स्क्रीन है, इसमें आपको ग्राफ आएगा, इसमें आपको LAB वैल्यू आएगा, इसमें आपको कलर इंडेक्सेस आएंगे। इसमें कैमरा फीचर भी है, जैसे कि आप देखेंगे ये कैमरा फीचर के अगर आप क्लिक करेंगे इसको तो ये आपको एक लोकेटर आता है। तो जैसे कि कोई भी आपको पर्टिकुलर कलर या पैच को स्पेसिफिकली ग्रेड करना है, मैच करना है, तो आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि मैं जो ये जूम करीजिए ज़रा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो राउंड्स रेड कलर के या ब्लैक कलर के हैं उसको मैं अच्छे से मैच कर सकता हूँ। ओके, तो स्पेसिफिक जगह का अगर वैल्यू मुझे मेजर करना है सो आई कैन कैच विद दिस। ओके, तो इस तरीके से मैं इसका रीडिंग ले सकता हूँ। अभी हम लोग इसका रीडिंग लेंगे कैसे वो देखेंगे। पहले मैं आपको इसका मेन्यू बता देता हूँ। जैसे मैं होम पेज में जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे आपको चेक रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड सेव होते हैं उसको चेक करना, डिलीट करना, सर्च करना या स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब अगर रीडिंग आपको लेनी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कोई रीडिंग है तो यू कैन पुट अ डेटा। तो आप डेटा पुट करेंगे LAB वैल्यू का वैल्यूज तो आपका कलर स्वैच बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कैलिब्रेशन है, तो कैलिब्रेशन ब्लैक एंड वाइट का होता है। इल्यूमिनेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग एंगल 2 डिग्री 10 डिग्री, लाइट सोर्सेज आपके सारे लाइट सोर्सेज अवेलेबल हैं, D65 मतलब डे लाइट, D50 ये भी डे लाइट है एक तरह का, मून लाइट है, फिर AC D55 D75 आर्टिफिशियल लाइट्स हैं सारे, ये सारे लाइट्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, नॉर्मल जनरल स्टैंडर्ड, जनरल प्रैक्टिस जिसको GMP बोलते हैं, हम लोग D65 को सेट करके यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें एवरेज वैल्यू है, तो मैंने इसको फिलहाल तो अभी एक रखा हुआ है, जैसे कि मैं एक ही रीडिंग को मान के चलूंगा। अगर मैं इसको 5 रखूंगा 6 रखूंगा 10 रखूंगा 3 रखूंगा जो भी वैल्यू रखूंगा इसमें आपको एवरेज आउट करके उसका रीडिंग दे देगा। देन कलर स्पेक्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हम लोग LAB वैल्यू देखेंगे, इसमें LCH वैल्यू, LAB मतलब आपका, L मतलब लाइटनेस, AB मतलब आपका रेड ब्लू, रेड ग्रीन येलो ब्लू, आपका CI आपका लाइटनेस कॉन्ट्रास्ट ह्यू LCH होता है, XYZ वैल्यू होता है, YXY वैल्यू होता है। ओके, LUV वैल्यू होता है, हंटर लैब है, RGB है, तो ये सारे कलर स्पेसिफिकेशन यू कैन कंपेयर और चेक विद दिस इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने LAB लिया हुआ है, उसके साथ साथ कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स मतलब क्या है कि जो कलर स्पेक्स है उस कलर स्पेक्स का जो कंपैरिजन मोड है आपका, जैसे उसका डेल्टा देखना है तो वो डेल्टा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेल्टा ई रखा हुआ है, सिर्फ डेल्टा ई वर्जन 94 देखना है, डेल्टा ई हंटर लैब देखना है, डेल्टा ई CMC मतलब मेटामेरिज्म में जाके देखना है आपको, डेल्टा ई CMC 1:1 रखना है, मतलब ये 2:1 मतलब आपका दो लाइट्स के हिसाब से कंपैरिजन हो गया, 1:1 मतलब एक लाइट के हिसाब से कंपैरिजन हो गया, EMC मतलब आपका ये मेटामेरिज्म होता है दो अलग अलग लाइट्स के हिसाब से। ठीक है, फिर आपके इंडेक्स में येलोनेस इंडेक्स आती है या वाइटनेस इंडेक्स आती है, ओपेसिटी है, कलर स्ट्रेंथ है, कलर है, स्टेनिंग है, मेटामेट्रिक्स इंडेक्स है,
ये सारे पैरामीटर फैक्टर सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे येलोनेस रख देता हूँ और डेल्टा ही रखा हुआ है, सेट कर दिया मैंने, ये सेट हो गया। यहाँ देखेंगे आप डिस्प्ले, डिस्प्ले में ये आपका कलर ऑफसेट देखना है तो मैं ऑन रखता हूँ। कलर ऑफसेट मतलब क्या है कि आपको अगर जो कलर एल ए बी वैल्यू में कंपेरिजन दिखाएगा तो उसमें आपको कौन सा कलर ज़्यादा कम है, मतलब वाइट है तो ज़्यादा है क्या कम है वो बताएगा, और यह रेड है तो रेड प्लस प्लस है, या आपका येलो प्लस है या ग्रीन प्लस है, ये आपको यहाँ पे बताएगा। ऑपरेटिंग मतलब ये लेफ्ट हैंड राइट है, तो लेफ्ट हैंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऑपरेटिंग हो जाता है क्योंकि ऑपरेटिंग बटन यहाँ पे है। अगर मैं राइट हैंडिंग हूँ तो मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा, अगर लेफ्ट हैंडिंग हूँ तो मैं लाइक ऐसे हैंडल करूँगा उसको। ओके, तो मैं राइट हैंडिंग रख लेता हूँ इसको। कलर स्क्रीन लॉक स्क्रीन को इसको हम लोगों ने ऑफ की रखा हुआ है। ग्लॉस क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मेथड है ये रिफ्लेक्टिव मेथड है, तो मतलब रिफ्लेक्टेंस के ऊपर ये आपको काम करेगा। तो इसमें 8 डिग्री एंगल है, DY8 का एंगल है ये, तो DY8 में आपको D8 डिग्री का ग्लॉस भी बताएगा, विच इज नियरली कंपेटिबल विथ 60 डिग्री समहाउ। ओके, तो ये ग्लॉस भी यहाँ पे दिख जाता है। ओके, अब हम लोग इसमें जाएंगे सिस्टम सेटिंग, मतलब ये आपका जो भी बजर है ऑटो सेव ऑन रखा हुआ है, एपेचर एक ही है तो ये फिक्स्ड है, सैम्पल मोड आपको SCI रखा है, कंट्रोल मोड मैंने इसमें की NPC सॉफ्टवेयर रखा है ताकि मेरा ये इसके साथ साथ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है इसके साथ जो फ्री आता है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसमें मैं ले सकता हूँ। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में मैंने यहाँ पे कनेक्शन वे USB रखा, मैं कनेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे डिसकनेक्टेड लिखा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको सेट करके कनेक्ट करवाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन वे कनेक्ट, हाँ तो जैसे कि सॉफ्टवेयर में भी हम काम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे, पहले हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करके कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप देखेंगे ये केस आता है पूरा का पूरा, ये इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ ये USB कॉर्ड भी आता है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर सेकंड पार्ट में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑपरेट करना है वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ये स्टडी केस आता है, ये इसका कैलिब्रेशन ब्लैक एंड व्हाइट का कैलिब्रेशन बोर्ड आता है जिसमें आपको D6510 डिग्री से SCI और SCE मतलब स्पेक्युलर कलर इंक्लूडेड और स्पेक्युलर कलर एक्सक्लूडेड दोनों का वैल्यू आपको देता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पावर अडैप्टर मिलता है, USB कॉर्ड तो है ही, और आपको मिलता है इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, एंड इसका मैनुअल, ये आ रही इसकी पैकिंग लिस्ट, ये सारी चीजें आपको इसके साथ मिल जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने ऑन किया तो इसको कैलिब्रेशन जरूरी है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें इसको ऑफ करके फिर से ऑन कर देता हूँ। मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से पता चले, ये ऑफ ऑन का बटन है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ऑफ या ऑन, ऑन किया तो इट लुक्स लाइक दिस 3NS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 3NS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, ये आपका कैलिब्रेशन मांग रहा है। ओके, तो कैलिब्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले व्हाइट कैलिब्रेशन है इसको ऊपर ये रख देंगे, इसको ये कैप निकाल दिया है मैंने, प्रोटेक्टिव कैप जो है इसको रख के यहाँ पे ये जो बटन है इस बटन को मैं दबाऊंगा, ये मैंने दबा दिया, इसे दबा दिया ऑन कैलिब्रेटिंग, मतलब ये कैलिब्रेट हो रहा है। कैलिब्रेशन होने के बाद तो ब्लैक कैलिब्रेशन मांगेगा, हो गया सक्सेसफुल। अब ब्लैक कैलिब्रेशन करना, ब्लैक मतलब क्या है, इन कलर पैरामीटर्स ब्लैक इज एयर, कोई कलर नहीं है, ब्लैक इज एयर। तो हम लोग ये हॉलो जो है इस हॉलो में हम लोग इसको रखेंगे। ओके, अब ये कैलिब्रेट हो चुका है, तो ये देखेंगे हम लोग फिर से कैलिब्रेशन में जाके, तो यहाँ पे हमको दिखेगा कैलिब्रेशन वैलिड, कैलिब्रेशन वैलिड टाइम लेफ्ट 23 hours 59 minutes, मतलब एक बार आपने कैलिब्रेशन कर लिया तो ये अगले 24 घंटे के लिए कैलिब्रेटेड रहता है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो फिर से कैलिब्रेशन मोड में जाएगा, तो मैं इसको पीछे आके रीडिंग ले लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे LAB वैल्यू है,
जो भी मैंने हम लोगों ने अब तक ऑपरेट किया वो सब टच स्क्रीन से किया। अगर आपको इसका ये SCI SCE मोड बदलना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, SCE हो गया, SCI करना है, क्लिक कर दिया, SCI हो गया। तो अभी हम लोग जो नॉर्मल जनरल पैरामीटर्स है SCI स्पेक्युलर कलर इंक्लूडेड वो करेंगे। लाइट सोर्स चेंज करना है यहाँ से जाइए, ऑलरेडी D65 सिलेक्टेड है, D50 करता हूँ तो D50 हो जाएगा, D65 करता हूँ D65 हो जाएगा, विच इज डे लाइट, ठीक है। CIE LAB कलर स्पेक्स, XYZ करना है XYZ हो जाएगा, LAB है LAB हो जाएगा, ओके। देन एंगल चेंज करना है 10 डिग्री 2 डिग्री, ये आ जाएगा। एपेचर अपना फिक्स है, टॉलरेंस जो होता है पैरामीटर वो मैंने 1 रखा हुआ है, इसको चेंज करना है 0.5 0.1 1.6 व्हाटएवर टॉलरेंस यू वांट टू पुट यू कैन पुट हियर। तो अकॉर्डिंगली आपका जो पास फेल का जो पैरामीटर्स है वो बताएगा। यहाँ पे आपको डेट टाइम ओके और ये T00 मतलब टारगेट 00, अभी तो कोई डाटा मैंने सेव नहीं किया। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले देखता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसका कैलिब्रेशन का जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका L वैल्यू क्या है, A क्या है और B क्या है, तो मैं इसको रीडिंग लेके देख लेता हूँ। मैं इसको रख दिया और जस्ट सिंपल है, ये बटन ऑपरेट बटन को मैंने क्लिक कर लिया, सो वैल्यू इट कम्स 96.69। देखिए यहाँ पे है ना 70 आया, तो उतना टॉलरेंस तो होता है 0.1 समथिंग। ए इज -34 और बी जो है ये 0.34, और यहाँ पे देखिए 0.34, दोनों एक साथ दिखाइए, दोनों ये और ये देखिए दोनों एक साथ दिखाइए, बोथ आर सेम, तो मतलब कि ये सिमिलर है ना। अब इसको अगर कंपैरिजन करेंगे रिपीटेबिलिटी चेक करने के लिए, तो मैं इसको सैंपल का बटन दबा देता हूँ, आई गो टू सैंपल। तो यहाँ पे T001 हो गया, मतलब टारगेट मेरा ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। अब S00 है मतलब सैंपल उसमें कौन सा है, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे वापस उसी पे रख देता हूँ और क्लिक करता हूँ, सेट विल शो मी सेम। देखिए टॉलरेंस 0.01 विच इज मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट मतलब परफेक्टली मैच्ड है बोलते हैं इसको, ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये कंपैरिजन यह करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी प्रॉपर कलर पे रख देते हैं, जैसे ये रेड कलर, मैं इस रेड कलर का एक मास्टर करके ले लेता हूँ इसको, ये क्लिक कर दिया मैंने, ओके जैसे ये मेरा मास्टर है। अब इसको मैंने ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये T002 करके सेव भी हो चुका है, इसको मुझे नाम देना है, तो आई विल गो हियर नो नेम, यहाँ पे जाके मैं इसको कैप्स को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ रेड बुक, ठीक है, और इसको सेव कर दूंगा। अब ये रेड बुक करके सेव हो गया। अब इसको मुझे सैंपल के साथ कंपेयर करना, तो इसका सैंपल समझो ये रेड कलर, मेरे पास ये एक पर्टिकुलर कलर है रेड ब्लैक व्हाइट है ना, तो इसमें ये पर्टिकुलर रेड को इसके साथ कंपेयर करता हूँ, वॉट एवर ये सेम नहीं है बट क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो ये छोटा इतना छोटा और रेड है, तो मुझे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं कैमरा में जाता हूँ, तो मैं देखिए कैमरा में ये ब्लैक दिख रहा है मुझे, तो ब्लैक तो नहीं लेना है मुझे, मुझे रेड लेना है, तो मैं रेड पे आ जाता हूँ। ये रेड है, ये रेड 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 ये आ गया। अब ये रेड मैंने मार्क कर लिया, अब इसको क्लिक करूँगा और रीडिंग लूँगा कंपेरिजन में, तो ये रीडिंग आ गई। तो आप देखेंगे इसमें जो रीडिंग आई है वो इस रेड में और इस रेड में जो फर्क है वो यहाँ पे दिखाया, इस रेड की जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है, और पहले में जो हमने टारगेट 2 लिया था उसके आगे सैंपल 1 जो है उसका डिफरेंस यहाँ पे आया। और जो कलर ऑफसेट में आपको बोलेंगे दिखाया है ना, जैसे डार्क, क्या फर्क है पहले वाले मास्टर में और सैंपल में, तो उसमें जो एल है वो डार्क प्लस प्लस, मतलब इससे इस बुक से जो ये रेड है वो डार्कर है, उसमें डार्क प्लस प्लस है। फिर आपका यहाँ पे जो येलो है, मतलब येलो इंडेक्स देखेंगे हम लोग या फिर ए वैल्यू देखेंगे, वो 2.93 है इस कलर का, पहले का जो था वो डिफरेंस ज़्यादा है। देखेंगे स्टैंडर्ड में हम लोग क्या था, 48.59, सैंपल में क्या है अपना 51.52, मतलब 2.93 से ज़्यादा है, तो इसमें रेडिशनेस ज़्यादा है वक्त इससे, ठीक है। फिर आपका आ गया बी, जो आपको ब्लू या येलो दिखाता है, तो इसमें आपको देखिएगा ब्लू प्लस प्लस, मतलब इसमें इससे ज्यादा इसमें ब्लू टोन है, मतलब डार्कर है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसको आप देखेंगे
ये जो ग्राफ स्पेक्ट्रम ग्राफ, तो ये ग्राफ आता है ये ग्राफ आपको देखिए 400 नैनोमीटर से लेके 10, 20, 30, 40, 700 नैनोमीटर पूरा रेंज जो है 400 से 700 ये पूरा रेंज कवर कर लेता है। देखिए 400 से 700 में ओके, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन से रिफ्लेक्टेंस मेजर में हो रहा है वो भी दिखा रहा है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस वैल्यू दिखता है कि कितने नैनोमीटर पे क्या रिफ्लेक्टेंस आया, और सैंपल और मास्टर में दोनों के बीच का रिफ्लेक्टेंस का डेल्टा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये एनालाइज जो होता है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होता है। इसके साथ साथ हमने मेटामेरिज्म इंडेक्स, सॉरी कलर इंडेक्स में जो चेक किया था वो येलोनेस इंडेक्स रखा था, तो हमने देखा था कि इसमें येलो बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ASTM D1925 येलो है नहीं तो जीरो दिखाया है, बट अकॉर्डिंग टू ASTM E313 जो है 2000 का वर्जन, उसमें के मुताबिक 166.77 ये वैल्यू आया आपको, येलोनेस इंडेक्स है जिसका डेल्टा आया हुआ है अकॉर्डिंग टू मास्टर एंड सैंपल 4.04। मतलब यहाँ पे भी आपका डेल्टा में फर्क है, इट इज डार्कर ओके। तो इस तरीके से आप इंडेक्स, कलर स्पेक्स, ये सारी चीजें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चेक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा यू कैन गेट इट टू द सॉफ्टवेयर ऑल्सो, जो कि हम लोग दूसरे पार्ट में इसका वीडियो बना के दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ एनी हैव यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल कॉन्टैक्ट ओके, आस्क एनी क्वेरीज अबाउट टेक्नो कमर्शियल टू HPFS इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।